आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में आज हम देखेंगे कि आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आपके पास प्रॉपर्टी है इंटेंसिव और दूसरी है एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास वो होती है जिसमें आप कहते हो विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है मास के और इसमें हम अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में जो एग्जांपल हम कोट करते हैं वो है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशंस। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल आपके पास दूसरी जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं कि आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी सब्सटेंस है जिसको आप कर रहे हो उसकी अमाउंट क्या है, उसके मास क्या है। ठीक है, और इस तरह की एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं एक्सटेंसिव की वो है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथाल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारी एग्जांपल आपके पास क्या एक्सटेंसिव है। द मेन थिंग टू रिमेंबर दैट कि एक्सटेंसिव जो है वो दे आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है कि आपके पास जो भी चीज़ आपके पास प्रोवाइड की, जो भी सब्सटेंस हो, अगर आप उसकी कोई सर्टेन प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं तो हर इंडिविजुअल एटम के चीज़ों को आप एडअप करती हो। और क्योंकि एक्सटेंसिव जो है वो डिपेंड करता है मास पे। फॉर एग्जांपल आप मोलर मास ही क्यों ना ले रहे हो, जब आप मोलर मास लोगे तो उसका मतलब ये है कि आप हर एटम जो उसमें गिवन है उसका अलग अलग निकालोगे और बाद में सम करोगे। एक्सटेंसिव मीन एडिटिव, वाइल इंटेंसिव एडिटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें हम बात ही नहीं करते कि आपके पास वो मास डिपेंडेंट है, बल्कि वो तो इनडिपेंडेंट ऑफ मास होता है इंटेंसिव। तो ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।